हेलो एवरीवन, विशाली हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है आजियो अफोर्डेबल टी शर्ट हॉल पार्ट टू, बिकॉज इससे पहले भी मैं आप लोग के साथ अफोर्डेबल साइड में टी शर्ट हॉल कर चुकी हूँ। सो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने 100 रुपीज़ की टी शर्ट भी आप लोग के साथ शेयर करी थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अगेन आजियो टी शर्ट हॉल अंडर 120। यस, मैं काफ़ी सारी हॉल वीडियोस आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लाइक अमेजोन का करा है हमने, मिंत्रा का करा है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले गाइस, मैं इंस्टाग्राम पर भी आप लोग के साथ हेयर स्टाइल, हेयर केयर, स्किन केयर एंड मेकअप, वायरल मेकअप हम ट्राई करते हैं। सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, प्राइस आपको वैसे तो दिखता रहेगा स्क्रीन पे, बट क्योंकि सारी ही टी शर्ट का सेम प्राइस है तो ऐसा मुझे कुछ टेंशन वाली बात नहीं कि मुझे याद नहीं है। सारी ही अंडर 120 की रेंज में आपको मैं दिखाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टी शर्ट है ये ब्लैक कलर की, एंड अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि मैं कभी भी क्लोथिंग आइटम आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ना, लाइक क्लोथिंग अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो उसमें ब्लैक कलर ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। सो या, सबसे पहले हम ब्लैक से ही शुरुआत करते हैं। सो ये एक टी शर्ट ली है मैंने, ये रियो ब्रांड की है एंड स्मॉल साइजेस में, साइजेस वगैरह मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, तो जब मैंने इसको परचेज किया तो मैंने नहीं देखा कि इसके ऊपर क्या लिखा है, एंड आने के बाद में मैंने रियलाइज किया कि इस पे लिखा है आई लव माई डॉग, जबकि मेरे पास डॉग नहीं है। What? But I don't mind, एक टी शर्ट बहुत ज़्यादा यू नो क्यूट है एंड इस पे सब पे यही लिखा है आई लव माई डॉग, आई लव माई डॉग। एंड ना इस पे टैग आया था वो मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया, बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं आपको दिखाऊं। ये एंटी बैक्टीरियल टेस्टेड है यार गाइस, इस पे लिखा है कि टेस्टेड फॉर ऑल डे प्रोटेक्शन, या प्रिंटेड 3499 लिखा है, बट ये मुझे मिला था 119 रुपये में। या और इसका ना फैब्रिक अच्छा है, सी थ्रू वाला नहीं है, वैसे भी ब्लैक कलर पर फिर भी सी थ्रू नहीं है, आपको इसके नीचे लेयरिंग वगैरह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। पहना हुआ कैसा लगता है वो आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। राउंड नेक है इसका, शॉर्ट स्लीव है इसकी, तो ये आप इसको ब्लैक कलर की जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो, आप इसको ब्लू कलर की जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो, एंड लाइट कलर की जीन्स भी इनके साथ इसके साथ अच्छी लगेगी। मैंने ये ग्रे कलर की टी शर्ट ली है बिकॉज जो मेरे वाली ग्रे थी एंड वो मुझे लग रहा था थोड़ी ख़राब होगी, तो मुझे एक ग्रे टी शर्ट भी चाहिए थी। सो मैंने ये वाली लिया, इस पर एवोकाडो बना हुआ है पूरे पे एंड बहुत क्यूट सी टी शर्ट है ये। इसका फैब्रिक भी गाइस यू नो अच्छा मटेरियल है इसका, एंड फैब्रिक भी ठीक है। सो इसके नीचे भी आपको लेयरिंग वगैरह की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है बाय द वे, अंदर वाला जो है ना ये वाला मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है। सो या, ये भी रियो ब्रांड का है एंड इसमें भी मेरा स्मॉल साइज है। स्लीव आप देख सकते हो, छोटी ही स्लीव है इसकी। ये ना टॉप मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लगा, लाइक जो ब्लैक वाला है वो भी शॉर्ट है एंड ये भी हल्का सा शॉर्ट है, लाइक हिप से ऊपर वेस्ट से थोड़ा सा नीचे तक का। बाकी आपको यू नो वेयर किया हुआ कैसे लग रहा है एंड कितना इसका लेंथ वगैरह है वो एग्जैक्ट आपको वीडियो में दिखता रहेगा। सो या, प्राइस के अकॉर्डिंग लाइक 120 में ये वाली और ब्लैक वाली टी शर्ट काफ़ी मस्त वाली रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गई हैं। स्टील डील है, अगर आपको इनमें से कोई भी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो उनका लिंक आपको यू नो परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लीजिएगा। इस बार मैंने ना पिछली बार मैंने टाइपोग्राफी काइंड ऑफ टी शर्ट्स ली थी, इस बार मैंने कुछ अलग लेने का ट्राई करा। सो मैंने इस बार प्रिंटेड ली हैं और प्राइस भी रीजनेबल है। अगर आप लोकल मार्केट से भी लेने जाओगे ना तो आपको 150-200 से कम की नहीं मिलेंगी, बट ये मुझे अंडर 120 में मिल गई हैं एंड इनकी क्वालिटी भी अच्छी वाली है, सही वाली है। सो अगर आपको ये टी शर्ट्स अच्छी लग रही हैं, परचेज करने का आप सोच रहे हो, तो यू नो आपको पता है क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बस उसे ओपन करो और परचेज कर लो। ओके, सो थर्ड मैंने ये स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट ऑर्डर करी है, बहुत प्यारा सा कलर है इसका एंड इस पर ना सिल्वर कलर की पोलका डॉट्स बनी हुई हैं ऑल ओवर। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था बट मुझे प्रॉब्लम स्लाइटली पता क्या है। ओके, मैं साइज़ वगैरह बता देती हूँ, इसमें मेरा स्मॉल साइज़ है एंड कोई FIG करके कोई ब्रांड है ये, उसकी टी शर्ट है। लाइक आप देख सकते हो कैसे ढीली ढाली सी है एंड बहुत ज़्यादा मुझे इसका मटेरियल स्पेशली पसंद नहीं आया, सी थ्रू काइंड ऑफ है,
अगर आप इसको वेयर कर रहे हो तो इसके नीचे आपको लेयरिंग करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो यह इसका प्राइस भी 120 है। प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे ये टी शर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। साइड पर ये बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब लाइक आप सामने से देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, बट पहना हुआ इसका फिटिंग मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। एंड ये ना जो नीचे की तरफ फैब्रिक जाते हैं ना, वैसा काइंड है। एंड मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं इसको वेयर करूँगी ना, ये और ज़्यादा लूज होता जाएगा। बाय द वे, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको कैसे स्टाइल कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक आप नोट बांध सकते हो साइड पे, सेंटर पे नोट बांध सकते हो फ्रंट की साइड पे, या फिर आप साइड पे नोट डालो बनाकर उसको जींस के नीचे टक कर सकते हो। सो यही करने वाली हूँ मैं, बिकॉज इसका फिटिंग बहुत ज़्यादा लूज वाला है। लाइक अगर मैं घर पर पहनूँ तो कोई इशू नहीं है, बट अगर हम बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा फिटिंग का मुझे थोड़ा सा इशू है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं पसंद आता, लाइक टाइट फिटिंग एंड एकदम फिटिंग वाला। ऑफकोर्स मुझे थोड़ा लूज पसंद है, बट ये बहुत ज़्यादा वाला कैसे बताऊँ, ये लूज नहीं, इसका कोई फिटिंग ही नहीं है। या मुझे लगता है ये लाइन सबसे बेस्ट रहेगी इस टी शर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, इसका कोई फिटिंग नहीं है। सो प्राइस मैंने बता दिया 120। पहना हुआ कैसा लगता है वो आपको स्क्रीन पर मैंने देख लिया होगा। ओके, इसके बाद में मैंने एक पर्पल कलर का ना ग्राफिक टी शर्ट ऑर्डर करा था रियो ब्रांड का ही, वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। आई डोंट नो कि इतना डिले क्यों हो रहा है, लाइक अभी तक मुझे मिल जाना चाहिए था। यू नो ट्रैकिंग वाले साइट पे तो यही दिखा रहा है कि वो मेरी ही सिटी में आ गया है, बट दो दिन से मुझे अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है। सो अगर ये वीडियो एडिट करने के टाइम तक भी वो आ जाएगा तो मैं आपको पहना हुआ ओवरऑल सारा दिखा दूंगी कि इसका फैब्रिक का मटेरियल कैसा है वगैरह वगैरह। उस पर ना कुछ लिखा हुआ है समथिंग एनी टाइम रेडी, एंड यहाँ पे दूसरी साइड पे ना फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है। बहुत क्यूट लगा मुझे इसका जो ग्राफिक ओवरऑल है। ओके, उसके बाद में मैंने लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला टी शर्ट ऑर्डर करा था, एंड ये मैंने वेयर भी किया हुआ है बिकॉज ये बहुत क्यूट है एंड बहुत अच्छा वाला है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। ये वाला टी शर्ट DNMX करके कोई ब्रांड है उसका है, स्मॉल साइज है। एंड ये पहना हुआ ओवरऑल पूरा मैं आपको साथ में स्क्रीन पे दिखा दूंगी। इस पर लिखा है डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएट इट। या तो ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप में है, हाफ स्लीव है इसका, लाइक आप देख सकते हो कितना स्लीव है इसका। इसका लेंथ हिप तक जाता है, लेंथ वगैरह सब अच्छा है। हैंड फिटिंग आप देख सकते हो, स्मॉल साइज है, मुझे काफी अच्छा लगा। ब्लैक कलर की चीज़ के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, लाइक आप इसको टक करके वेयर कर सकते हो, फ्रंट पे नोट या फिर साइड पे नोट डाल सकते हो। बाकी ये कोई ढीला वीला अभी तक नहीं हुआ है, इसको मैंने 2-3 बार पहन लिया है एंड क्वालिटी वगैरह अच्छी है। इस वाली टी शर्ट पे ना गाइस एक प्रॉब्लम मुझे जो लगी थी कि टी शर्ट के नीचे वाली साइड पे ना येलो कलर का स्टेन लगा हुआ था 2-3, एंड आई डोंट नो कि वो क्या था, लाइक डिफेक्टिव है या आई डोंट नो, बट ये मुझे टी शर्ट अच्छा लगा सो मैंने ये वाला रख लिया। अगेन इसका प्राइस भी 120 ही है, लाइक 119 कुछ समथिंग, तो 120 ही हुआ। ओके ओके गाइस, सारे प्रोडक्ट के परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी, तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।